अक्सर जब हमारी कोई फ्रेंड रेड लिपस्टिक लगाती है तो हमें वो बहुत खूबसूरत लगती है और कहीं ना कहीं हम भी उसे ट्राई करना चाहते हैं, पर कभी ना कभी हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो पड़ जाता है। आज हम आपको यही कॉन्फिडेंस बूस्ट देने वाले हैं। अगर आपका कम्प्लेक्शन डार्क है तो आपको थोड़े डीपर टोन्स के रेड चूज करने चाहिए, जैसे कि कुछ इस तरह। डीपर कलर्स आपके कम्प्लेक्शन को ज़्यादा निखारेंगे और आप ब्राइट लगेंगे। अगर आपका कम्प्लेक्शन वीटिश है या मीडियम फेयर है तो आप प्रॉपर रेड या ब्लड रेड या ब्राइट रेड का यूज़ करें, ये आपके कम्प्लेक्शन पे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपका कम्प्लेक्शन फेयर है तो आप थोड़े ऑरेंजी रेड ट्राई करें, जिससे आपकी पर्सनालिटी और भी उभर के आएगी। ये तो हो गई कलर्स की बात कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि कैसे इन्हें सही तरीके से लगाया जाए। जब आप लिपस्टिक लगाएं तो उससे पहले लिप बाम का यूज़ ना करें, पर अगर आपको लगता है कि लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं तो हल्का सा लिप बाम लगाकर उसके बाद उसे ड्राई टिश्यू से डैप कर लीजिए। अब हम शुरू करेंगे लिप लाइनर से। लिप लाइनर की शेप हम कुछ इस तरह बनाएंगे। पहले आप एक वी ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह, और फिर इसे इस तरह एक कॉर्नर पे ले जाएंगे। अब हम लोअर लिप के लिए लिप लाइन ड्रॉ करेंगे, आउटर कॉर्नर से शुरू करते हुए सेंटर तक, और अब दूसरे आउटर कॉर्नर से शुरू करके फिर से सेंटर। लिप लाइन लगाने के बाद इसी लिप पेंसिल से हम थोड़ी सी फिलिंग कर लेंगे, ऐसे ही अपर लिप के लिए। लिप लाइनर करने के बाद अब हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। मैं अपने लिए एक ऑरेंजी रेड कलर की लिपस्टिक का यूज करने वाली हूँ। अगर आपकी लिपस्टिक कभी बाहर निकल जाए या फैल जाए तो आप अपने कंसीलर ब्रश से उसे हल्का सा क्लीन कर सकती हैं, जिससे कि आपके लिप्स को एक अच्छी डेफिनेशन मिलेगी। आई होप आज की टिप आपको अच्छी लगी हो और अब आप रेड लिपस्टिक कॉन्फिडेंटली लगाएं। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस्तेमाल कीजिए #fitrahe india। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। We'll be right back.